नमस्कार। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, देश भर में दलितों के खिलाफ अत्याचार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सांकेतिक उपवास पर बैठ गए हैं। 2 घंटे का ही उनका उपवास होगा। राहुल महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपिता को श्रद्धासुमन अर्पित किए, उसके बाद वहां पर वो उपवास पर बैठे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ कई कांग्रेस के सीनियर लीडर्स भी मौजूद हैं। हालांकि बीजेपी तंज कस रही है कि 2 घंटे का ये कौन सा उपवास है, ये उपहास का मजाक है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ये कहा कि 2 घंटे का ये उपवास करके वो उपवास का उपहास कर रहे हैं। बीजेपी भी अग्रेसिव मोड में है। उधर राहुल के उपवास से उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब अनशन स्थल पर कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार पहुंच गए। सिख दंगों के आरोपी टाइटलर और सज्जन कुमार को अजय माकन ने वहां से वापस लौटा दिया। हालांकि इस पूरे मसले पर जगदीश टाइटलर ने सफाई दी, उन्होंने कहा कि सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहले राष्ट्रपिता बापू को श्रद्धांजलि दी गई और दलितों के मुद्दे को लेकर किस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियां लामबद्ध हो रही हैं सरकार के खिलाफ, और दिग्गज भी वह मौजूद थे। राजघाट के सामने राहुल गांधी उपवास पर बैठे हैं और उनके साथ तमाम कांग्रेस के नेता आपको दिखाई देंगे जो यहां उपवास पर बैठे हुए हैं। जातीय हिंसा के विरोध और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सामूहिक उपवास को रखा गया है, जहां पर 1 बजे राहुल गांधी पहुंचे और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम जो खासतौर पर PCC प्रेसिडेंट रहे दिल्ली के, वो भी मंच पर आसीन है। दिल्ली में जो कांग्रेस की जब सरकार थी तो मुखिया थी शीला दीक्षित, उनके साथ जो मंत्री थे वो लोग भी यहाँ मंच पर आपको मौजूद दिखाई देंगे। और कुल मिलाकर इस संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि देश भर में जो जातीय हिंसा हो रही है या कहीं भी सांप्रदायिक दंगे जो हो रहे हैं, उसके ठीक उलट गांधी जी के रास्ते पर चलने की जरूरत है और देश में एक तरह से सहिष्णुता का वातावरण हो, देश में कुल मिलाकर एक तरह से आपसी विश्वास और भाईचारे का वातावरण हो, इसके लिए इस समूचे ही कार्यक्रम को रखा गया है। लेकिन इस समूचे कार्यक्रम के अपने राजनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि जो स्थितियां इस वक्त देश में मौजूद हैं, कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है, और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जो समूचा एक तरफ से आरोपों का पुलिंदा है वो बीजेपी के ऊपर है कि बीजेपी की सरकार के अंतर्गत जातीय हिंसा बढ़ी है, दलितों पर हिंसा बढ़ी है, हिंसा जो है वह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर बढ़ी है, सांप्रदायिक दंगे बढ़े हैं। तो एक मैसेज कांग्रेस चाहती है क्रिएट करना, जिसमें एक तरह से एक बड़ा जो कहीं ना कहीं आरोप है सरकार के ऊपर, उसको जनमानस के भीतर लेकर जाया जाए और जनता के बीच में जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को एक्सपोज किया जाए। तो इस मकसद के साथ इस समूचे ही कार्यक्रम को देखा जा सकता है, जिसका टारगेट निश्चित तौर पर जो समकालीन मौजूदा स्थितियां हैं उसमें कर्नाटक का चुनाव है, लेकिन दुर्गामी स्थितियों में निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव दिखाई दे रहा है। विनोद जयराम के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।